Question 4. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question 3 and answer the following questions. तो हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम दो ड्रॉ करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 है. तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ किया था इस तरह से. ठीक है, तो ये फाइनल टेबल है, इसके ऊपर से हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है. ठीक, तो पहला काम करते हैं हम क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं. ठीक है, चलो मैं हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, बाद में हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे. तो ये पूरा डेटा है, इसके ऊपर से हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो ये मैंने ग्राफ पेपर ले लिया. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो इंटरवल्स है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है उसको वर्टिकल. फ्रीक्वेंसी देखे दो मैक्सिमम 9 तक है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 to 10 तक लेंगे. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ. तो ऐसा करते हैं, हम 5 सेगमेंट लेते हैं. ठीक है, इस तरह से, और हर एक को दो दो दे देते हैं. ये 0, उसके बाद 2, 4, 6, 8 and 10. तो इसके अंदर पूरा डेटा आ जाएगा. यहाँ पे हम इंटरवल्स लेंगे. ये क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक है, अब यहाँ पे सभी क्लास हमें मेंशन करने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ये वाला 800 810, तो ये 800 से 810, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. फिर ये 820 830 840 850 860 870. ठीक है, यहाँ पर 880 890 और ये लास्ट है 900. ठीक है, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं आगे. यहाँ पर थोड़ा रब कर देते हैं. ये हो गया फाइनल 900. ठीक, अब हर एक के लिए हम ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट है 800 से 810. ठीक है, तो उसके लिए कितना है, 3 है. तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा 2 and 4 के बीच में. तो फर्स्ट हमने ड्रॉ कर लिया, ये क्लास के लिए 3 है, उसके ऊपर वैल्यू भी लिख देंगे. उसके बाद है 810 से 20 2, तो 2 यहाँ पे, तो ये हो गया. उसके बाद है थर्ड 1, तो ये 1 यहाँ पे आएगा. उसके बाद 830 से 49, तो 9 आएगा 8 और 10 के एग्जैक्ट बीच में, यहाँ पर आएगा. यहाँ पे 1, ये 9, उसके बाद 840 to 50, तो वो है 5, तो यहाँ पे आएगा. ये बार ग्राफ नहीं है, हिस्टोग्राम है, क्योंकि ये पूरा एक इंटरवल लिया हुआ है. इसके बाद है 850 से 60 1, तो ये हो गया 1. ये था 5. इसके बाद है 60 से 70 3 3 आएगा यहाँ पे. उसके बाद है 870 से 80, वो है 1, तो यहाँ पे आएगा. ये हो गया 1. उसके बाद 880 से 90 1, वो भी सेम 1. और उसके बाद है 890 से 900 4 4 आएगा यहाँ पे.
ये बन गया पूरा हिस्टोग्राम। ठीक, अब इसमें से लाइन ड्रॉ करते थे तो उससे थोड़ा अच्छा दिखता है। एक हिस्टोग्राम या ग्राफ एकदम प्रॉपर दिखता है। लास्ट था 40 हो गया। इसके ऊपर से हमें आंसर देना है क्वेश्चन के। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम में देखिए तो सबसे बड़ा ग्राफ ये 9 है, तो 830 से 840, तो इसका आंसर आएगा 830 से 840। तो मैं यहाँ पेंसिल से लिख देता हूँ 830 टू 840। नेक्स्ट सेकंड, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर। अब 850 या उससे ज़्यादा तो आएगा यहाँ से, तो 1 + 3 = 4, 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, 6 + 4 = 10। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 वर्कर्स है जो 850 या उससे ज़्यादा अर्न करते हैं। थर्ड है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। तो लेस देन 850 तो इससे भी लो का पूरा, तो 9 + 5 = 14, 14 + 1 = 15, 15 + 2 = 17, 17 + 3 = 20। तो यहाँ पे आंसर आएगा 20 वर्कर्स।